नमस्कार दोस्तों, तानसी किचन में आपका स्वागत है। गर्मी आ गई है, बाजार में कच्चा आम और पुदीना खूब मिल रहा है, तो आज हम कच्चे आम और पुदीना की चटनी बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट और पाचक होती है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 कच्चे आम लिए हैं, 4 हरा मिर्चा लिया है, 6-7 लहसुन की कलियां ली हैं और ढेर सारा पुदीना लिया है। तो सबसे पहले हम कच्चे आम को छीलेंगे। कच्चे आम का बीज निकाल के इसे 2 टुकड़ों में ऐसे काट लेंगे। अब एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम अपने आम कच्चे आम को डालेंगे। लहसुन की कलियां डालेंगे, हरी मिर्च, पुदीने का पत्ता लिया था उसे डाल के इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।